सॉर्टिंग का ऑप्शन यूज करना है, सॉर्टिंग। तो सबसे पहले जानिए डेटा को सॉर्ट जो हम करते हैं क्यों करते हैं, एक सीक्वेंसली अरेंज करना, चाहे वो डेट वाइज है या नेम वाइज है या असेंडिंग डिसेंडिंग वैल्यूज वाइज होता है। मान लीजिए कि मैंने नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया, तो जनरल लोग क्या करते हैं, कर्सर इस पर रखते हैं और यहां ए टू जेड करते हैं, सॉर्ट हो जाता है, जितने भी अमर है सारा इकट्ठा आ गया। पर अमर का जो सिटी है वो कंटिन्यूअस नहीं है, मैं चाहता हूं कि यहां पे पटना पूरा आ जाए, उसके नीचे दिल्ली आ जाए, रिकॉग्नाइज हो जाए। तो जब आप दो फील्ड को सॉर्ट करते हो तो क्या चाहिए होता है, चाहिए होता है कस्टम सॉर्ट एट लेवल। यहां पे कस्टम सॉर्ट में मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं दूसरा लेवल सिटी और मैं इसको ओके करता हूं। तो देखिए यहां पे अमर और दिल्ली इकट्ठा आ गया। तो कैसे किया मैंने, मैंने कस्टम सॉर्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन ध्यान रखिए आपके डेटा में कोई पूरी की पूरी ब्लैंक रो ना हो, अगर ब्लैंक रो है तो पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ये थी सॉर्टिंग के बारे में। अब आप लोग बताइए कोई और प्रॉब्लम है आपके पास।